तारीख को अवकाश है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए और अपना जो गांडीव था उसको फेंक कर शोक संताप करने लगे, समस्त बंधु बांधव को जब प्रतिपक्ष में देखा इन्होंने, सामने की सेना में जब उनको खड़े हुए देखा तो उनको मोह उत्पन्न हो गया और उन्होंने युद्ध न करने का संकल्प किया। किंतु उस समय ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ की सेनाएं सजी हुई थी, ऐसी स्थिति में जब कर्तव्य से विमुख होते हुए देखा श्री कृष्ण भगवान ने जो कि उनके सारथी थे, उस समय तो वो रथ के सारथी थे लेकिन जीवन रथ के सारथी भी वही थे। और हम सभी लोग अगर उनको अपना सारथी मान लें, अपने अपने जीवन के रथ का सारथी मान लें, तो निश्चित रूप से जैसे महाभारत के युद्ध में उनकी सार्थक भूमिका सिद्ध हुई, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी एक सार्थक भूमिका उनकी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हम सभी महाभारत से गुजरते हैं, हमारे भीतर हमेशा एक महाभारत चलता है, हमारे जीवन में भी एक महाभारत चलता है, हम सभी उसके सहभागी होते हैं, हम सभी उसके प्रत्यक्षदर्शी होते हैं। क्योंकि हमारे भीतर धर्म अधर्म का युद्ध चलता ही चलता है, कर्तव्य अकर्तव्य का भाव जो है हमारे भीतर भी चलता है। बहुत तरह की ऐसी भावनाएं हमारे भीतर आती हैं जो जिसको हम धर्म नहीं कह सकते किसी भी तरह से। क्योंकि अगर हम धर्म और अधर्म की परिभाषा ठीक प्रकार से समझ जाएं, सीख जाएं, तो निश्चित रूप से हम धर्म का मार्ग ही चुनेंगे। एक व्यक्ति होता है, अगर उसको देखिए, एक बहुत ही इसको हम कहना चाहेंगे विस्तृत तरीके से अगर सोचे, व्यक्ति सेंटर में खड़ा है, बीच में खड़ा हुआ है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ अधर्म है। जिस प्रकार से अर्जुन की स्थिति थी उस समय, अर्जुन की स्थिति थी, एक तरफ कर्तव्य था एक तरफ अकर्तव्य था, जहां पर कर्म की शिक्षा दी है भगवान श्री कृष्ण ने। गीता की शिक्षा जो है, गीता का उद्भव ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर भीषण रण होने वाला था, कुछ ही पलों में भीषण रण होने वाला था। उसी तरीके का भीषण रण हमारे भीतर भी चलता रहता है, हर समय चलता है। हम इस संसार में हैं और बहुत सारे हमारे अंदर अच्छे विचार, बुरे विचार, हर प्रकार के विचार आते रहते हैं। हम बीच में होते हैं, हमारी अच्छाई इधर होती है और बुराई इधर होती है, और दोनों अपनी ओर हमको खींच रहे होते हैं। क्योंकि अकर्मण्यता का आकर्षण इतना बढ़िया होता है कि हम उधर ही जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन क्या कह रहा होता है कि नहीं, हमको इस दिशा में जाना चाहिए, दूसरी दिशा में, जो कि हमारे कर्तव्य की दिशा है, हमको उसमें जाना चाहिए। हमारी चेतना ऐसी समझती है, ये बात हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन होता क्या है, होता यही है कि जिधर ज्यादा लुभावना लगता है हम उधर ही खिंच जाते हैं। तो दो भागों में हम बटे रहते हैं, हमेशा दो भागों में बटे रहते हैं। हम तो मध्य में होते हैं, हमारी चेतना मध्य में होती है, वो निश्चित रूप से ये जानती रहती है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमको जाना चेतना की तरफ चाहिए, जिधर वो हमको ले जाती है, धर्म की तरफ।